यदि पाप हो तो पुण्य किसका नाम है? नाम स्टेज शो से समा बांध दिया। जहाँ पवन सिंह रहते हैं उनकी आवाज़ में इस तरह की खनक है कि उस आवाज़ की खनक को आप हर जगह महसूस कर सकते हैं। पवन सिंह की आवाज़ में वो जादू है कि उस जादू को आप हर वक्त सुनना चाहेंगे। यही कारण है कि पवन जहाँ रहते हैं लोग उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते हैं। अब आप इस स्टेज शो को ही देख लीजिए, जहाँ पवन को सुनने के लिए हजारों लोग आए हैं और लोग पवन सिंह को सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता देते हैं कि पवन की फिल्म धर्मा की जो शूटिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और शूटिंग के कंप्लीट होते ही वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ अपने आने वाले एल्बमों की शूटिंग करेंगे। वैसे पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह भी बार उनके मुंबई वाले घर पर ही जाने वाली हैं, ऐसी कहा जा रहा है, क्योंकि ज्योति से अब उनके रिश्ते पहले से काफ़ी सुधर चुके हैं। पवन सिंह और ज्योति के रिश्तों में एक मधुरता सी आई है और इस मधुरता को लोग महसूस भी कर रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो मन मंदिर में सत्यनारायण।